हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 23 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ कुछ एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है मेनली यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन के बारे में। तो इसके बारे में एक दो हम देखो मैपिंग इंपॉर्टेंट होती है थोड़ी, तो वो देख लेते हैं कि साउथ साउथ ऑफिस कॉरपोरेशन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो शामिल होती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो कंट्रीज साउथ की हैं, मतलब साउथ गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर की साइड आती हैं, जैसे ये कंट्रीज आप देख सकते हो, ये सारी कंट्री हैं, ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन का मेंबर है। अभी न्यूज़ में एक्चुअली इसीलिए था क्योंकि एक फंड था उसको लेके सारी न्यूज है वो आई है। तो हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के तहत बनाया गया था 1974 में। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है आपको ध्यान रखना कि भाई यूनाइटेड नेशन का पार्ट नाम से वैसे पता तो चल रहा है। इसके साथ ही इसमें एक नई न्यूज, हमें ये पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जो साउथ साउथ कॉरपोरेशन है वो इसलिए बनाया गया था ताकि साउथ की जो कंट्रीज है ना एक्चुअली डेवलपिंग स्टेज में, मतलब या तो डेवलपिंग है या फिर लिस्ट डेवलपिंग फेज में, तो इसलिए इन कंट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सके उसी के तहत उसको कम्प्लीट करने के लिए ही साउथ साउथ कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, मेन मोटो इसका यही है कि भाई जो सदर्न हेमिस्फीयर की जो कंट्रीज़ हैं मेनली उन कंट्रीज़ की तरफ ध्यान दिया जाए और उनकी एक्चुअली हालात है वो ठीक किया जाए। सदर्न हेमिस्फीयर का मतलब यहाँ पे है कि जो कॉन्टिनेंट के साउथर्न की साइड जो कंट्रीज है ना उनकी हालत ठीक नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि नॉर्थ वाली जो कंट्रीज है सारी डेवलप कंट्री है, मैक्सिमम कंट्रीज और डेवलप है, बट बाकी साउथ वाली जो कंट्रीज है इंडिया, चाइना आ गया, पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे पूरा अफ्रीका आ गया, इसके साथ ही लेटिन अमेरिका वाली जो कंट्रीज आ गई और यहाँ पे नीचे साउथ अमेरिका की कंट्रीज आ गई, तो ये सारी कंट्रीज एक्सेप्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, तो मतलब मेनली साउथ वाली जो कंट्रीज हैं डेवलप नहीं है ज़्यादा, तो इन कंट्रीज़ के हालात सुधारने के लिए यह बनाया गया था। तो न्यूज़ में एक्चुअली यह था कि अभी टोंगा नाम की एक जगह है, टोंगा एक सिटी कंट्री एक्चुअली, उस कंट्री को एक्चुअली इंडिया ने फाइनेंशियल एड है वो दिए। फाइनेंशियल एड इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था अभी एक, जिसका नाम था गीता, GITA। तो ये आपको ध्यान है कि गीता वहाँ पे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था तो उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ गई थी और पुनर्आवास के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फंड दिया था $1 मिलियन का, तो उसको लेके ये न्यूज़ में था। तो हमें बेसिक एक दो पॉइंट है उसके बारे में ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टोंगा की लोकेशन है वो देख लेते हैं कि भाई है कहाँ पे, कि UPSC ऐसे लोकेशंस वगैरह वो पूछ लेती है। ये है टोंगा की लोकेशन, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेनली ऑस्ट्रेलिया के इस साइड छोटी सी कंट्री है, बहुत मैप में देखोगे तो बहुत बारीक सा आपको दिखाई देगा, बट आपको नाम थोड़ा पता होना चाहिए कि बेसिक आइडिया है कहाँ पे। तो मेनली साउथ पैसिफिक जो ओशन है उस वाले एरिया में टोंगा जो कंट्री है वो यहाँ पे, ये इसके लोकेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट पास में ये कंट्री है, छोटी सी कंट्री है बहुत, उसको लेके ये भी इंडिया ने फाइनेंशियल एड है वो दी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया ने भी रिसेंटली एक फंड और दिया था, मतलब एक ऐड है वो और दी थी टेररिज्म को लेके, और इंडिया ने पहला ऐसी बार किया था तो कौन सी कंट्री को फंड दिया था टेररिज्म से निपटने के लिए, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी में एक दो पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, इसी के साथ इसमें आगे चलते हैं। तो अब अगली जो न्यूज़ है वो मेनली रिवोल्यूशन ऑफ डेयरी के बारे में है, मतलब जो हमारी डेयरी इंडस्ट्री है उसमें नया रिवोल्यूशन है ऑपरेशन फ्लड के बारे में। तो ये हम देख लेते हैं। देखो ऑपरेशन फ्लड है ना वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो एक स्टेचुरी बॉडी है जो 1965 में बनाई गई थी। काम क्या है इसका मेन काम यह था कि दूध का प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके और उसी के तहत इसका निर्माण हो किया गया था। और हमारे देश में जो दूध की क्रांति है, व्हाइट रिवॉल्यूशन है, उसके जन्मदाता कौन है, वो है वर्गीस कुरियर। तो उन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड है वो स्टार्ट किया गया था। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड है वो किससे रिलेटेड है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की। एक तो ये UPSC पूछ सकती है कि भाई ये स्टेचुरी बॉडी है नहीं, तो हाँ ये स्टेचुरी बॉडी है। काम क्या है, काम इसका यही है कि जो डेयरी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको, मतलब मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है और डेयरी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका निर्माण है वो किया गया था। तो इसके डिफरेंट फेजेज, तो फेज वगैरह देखो हमें याद है वो नहीं करने। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वही है इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के बारे में, कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम है वो गवर्नमेंट ने भी अलाउ की है, मेनली SBI के द्वारा से स्टार्ट किया गया है। तो देखो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो लास्ट ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे, लास्ट ईयर के बजट में इनका प्रावधान किया था। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मतलब यह था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग मिलती है ना इलेक्शन में, जो पैसे दिए जाते हैं कॉरपोरेट ग्रुप्स के द्वारा, कोई इंडिविजुअल लोग अगर कोई भी पैसा देना चाहते हैं उसके तहत इनका निर्माण है वो किया गया था। हमने इसे आर्टिकल वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया था ब्रीफली से। तो अभी उस स्कीम को लागू किया गया, 1 मार्च से 10 मार्च तक ये यह स्कीम है वो लागू की गई है। SBI की ब्रांच है, अभी SBI की जो भी ब्रांच है मेनली 4 ब्रांचों को इसमें फोकस किया गया है कि उन 4 ब्रांचों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड वो खरीदे जा सकेंगे, जिनकी जो टाइम लिमिट है वो 15 दिन की होगी, मतलब 15 दिन तक वो वैलिड होंगे। जैसे आज किसी ने खरीदे तो आज से 15 दिन तक वो वैलिड होंगे, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे अपने आप। किसके द्वारा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्टेप है वो उठाया गया। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए, UPSC में भी पूछ सकती है।
अब जो अगली न्यूज़ है वो है ये गोपाल स्वामी कमेटी के बारे में। तो गोपाल स्वामी कमेटी है ये यूपीएससी डायरेक्टली पूछती है किससे रिलेटेड है। तो गोपाल स्वामी कमेटी है वो हमारे देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, उनको थोड़ा सुधारने के लिए और उनके उनकी रैंकिंग वगैरह सुधारने के लिए कमेटी है वो बनाई गई थी। अब इस कमेटी का देखो मेन प्रावधान ये था कि भाई हमारे देश के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है 10 तो इसमें रखे जाएंगे गवर्नमेंट और 10 रखे जाएंगे प्राइवेट, मतलब टोटल 20 इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है वो बनाना है। अभी हमारे देश के जो इंस्टीट्यूट है ना वो टॉप 100 वर्ल्ड लेवल में इंस्टीट्यूट में नहीं आते, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई इंडिया के भी कोई इंस्टीट्यूट है वो टॉप 100 में है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल रैंकिंग में, तो उसी के तहत गोपाल स्वामी कमेटी बनाई गई थी। तो इसमें ये रखा गया है प्रावधान आगे पॉइंट कि भाई जो हमारे देश के 10 10 20 इंस्टीट्यूट हो जाएंगे ना इनको थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाएगी एक्स्ट्रा और इनकी रैंकिंग सुधारने के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके साथ ही जो टेक्निकल स्किल्स वगैरह बाकी और काम है उन पर फोकस किया जाएगा। तो मेन बात ये कि भाई आगे आने वाले 10 साल के अंतर्गत इंडिया की रैंकिंग है वो टॉप 100 के अंदर लेके आनी है एट एनी कॉस्ट। ये स्कीम किसके द्वारा इंप्लीमेंट की गई है, ये स्कीम है वो इंप्लीमेंट की गई है यूजीसी के द्वारा। यूजीसी के द्वारा इस इंप्लीमेंट को किया इस यूजीसी के द्वारा सॉरी इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो ये हमें कुछ बेसिक चीज़ें वो पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो टोंगा के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया कि लोकेशन मेनली इंपॉर्टेंट तो हमने देख लिया है ट्रॉपिकल साइक्लोन वहाँ पर आया था, ये कुछ बेसिक न्यूज़ थी। इसी के साथ आगे थी न्यूज़ वो थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड के बारे में कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड है उसके अंतर्गत अभी 5 लाख बिलियन मतलब 5 लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट या 5 लाख डॉलर का पैसा है वो दिया है उसके लिए, क्यों दिया है ये भी डिस्कशन के दिया है मेनली, ये सारी न्यूज थी। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड। नाम से एक्चुअली साफ साफ पता चल रहा है कि भाई साहब यूएन के द्वारा है। क्यों हम यूएन के द्वारा किस लिए मेनली ये बनाया गया था, जो साउथ साउथ की जो कंट्रीज है मैंने अभी आपको बताया था कि जो सदर्न हेमिस्फीयर की सदर्न जो कंट्रीज हैं मतलब कॉन्टिनेंट की उन कंट्रीज़ को थोड़े हालात सुधारने के लिए मेनली फोकस यही रहेगा ताकि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हालात सुधारे जा सकें। आयरलैंड की जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी कोई इशू आ रहा है उनको ठीक किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल के जो टारगेट रखे गए हैं 17 जो टारगेट हैं उन टारगेट को अचीव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो साबित होंगे। तो ये कुछ बेसिक न्यूज़ थी, आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आई है स्फूर्ति स्कीम के बारे में। तो स्फूर्ति स्कीम है क्या, है स्फूर्ति स्कीम देख लेते हैं। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज, तो ये देखते हैं कि है क्या ट्रेडिशनल सॉरी इंडस्ट्रीज। इस स्कीम में देखो ये प्रावधान किया गया है कि भाई जो हमारे देश की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है ना उनको क्लस्टर बेस है ना अप्रूव मतलब एक तरीके से उनकी हालत है वो सुधारे जाएंगी, क्योंकि छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाएंगे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के और फिर उनको आगे डेवलप किया जाएगा, ताकि इसका सबसे अच्छा फायदा एक तो ये होगा कि हमारे देश में जो कलाकार हैं जो आर्टिसंस हैं उनको भी रोजगार मिलेगा और उनको अच्छी स्किल का रोजगार वो मिलेगा, तो उनको पैसे वगैरह कोई इश्यू नहीं होगा। इसी के साथ इस स्कीम को इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया है, इस स्कीम को इंप्लीमेंट है वो किया गया है एमएसएमईज द्वारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइज जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इनको इंप्लीमेंट किया गया है और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है केवीआईसी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि केवीआईसी के द्वारा ये इसकी नोडल एजेंसी है उसके द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया गया सॉरी उसके वो इसकी नोडल एजेंसी है फंड वगैरह इसके तहत इसको मिलेगा। केवीआईसी का मतलब है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस भी किया था। तो ये थी न्यूज़, अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो ये मेनली नागार्जुनम सागर सरीसेलम टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये सरीसेलम जो टाइगर नागार्जुन सरीसेलम टाइगर रिजर्व है ये है कहाँ पे, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये है मेनली ईस्टर्न घाट के साउथ साइड में और नल्ला मलाई में। तो लोकेशन हमें ध्यान रखनी है कि भाई नल्ला मलाई के ईस्टर्न मतलब है क्या तमिलनाडु के अंतर्गत इसकी लोकेशन है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो सरीसेलम एक टेम्पल है वो इसी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो कि धार्मिक नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। तो सरीसेलम टेम्पल कहाँ पे है वो इसी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत है और यह इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। तो ये भी हमें ध्यान रखना कि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो यही है और है कहाँ पे, देखा कि कृष्णा जो कृष्णा नदी है वो इसके नॉर्थन साइड की बाउंड्री है वो भी बनाती है। और इसी के साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो यूपीएससी पूछ लेती है मैच द फॉलोइंग में, वो ये आता है कि इसमें कौन सी ट्राइब रहती है, तो वो इसमें रहती है उस ट्राइब का नाम है चेंचुस ट्राइब। तो ये चेंचुस ट्राइब है यह मेनली नागार्जुन सरीसेलम टाइगर रिजर्व के अंदर रहती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ है, नाम से उसे पता चल जाएगा कि भाई सरीसेलम तो यहाँ पे टेंपल होगा एक बार अगर पढ़ा हुआ तो, बट ये ट्राइब वाला ध्यान रखना कि यूपीएससी ट्राइब वाला मैच द फॉलोइंग में पूछ लेती है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो ओलिव रेडली टर्टल के बारे में, मतलब ओलिव रेडली जो कछुए हैं उनको लेके न्यूज़ आई है। न्यूज़ एक्चुअली है कि उड़ीसा का जो गंगम डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो कोस्ट है जिसका नाम है
रुसिकुलिया कोस्ट, उस रुसिकुलिया कोस्ट के ऊपर अभी जो ओलिव रेडली टोटल्स हैं उन्होंने अपनी नेस्टिंग बनाना शुरू कर दिया है, मतलब वहाँ पे उन्होंने अपने अंडे देना शुरू कर दिया है। तो हर साल ये इस टाइम पे न्यूज़ में आता है और यूपीएससी पे क्वेश्चन से वो पूछ सकती है। तो देखो जो ओलिव रेडली जो टोटल जो कछुए होते हैं ना, उनका एक्चुअली दूसरा नाम होता है, वो होता है पैसिफिक रेडली सी टोटल। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इनको पैसिफिक रेडली सी टोटल के नाम से भी जाना जाता है और यह IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में शामिल है। इसी के साथ जो CIT साइट्स है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसकी अपेंडिक्स फर्स्ट में इसे शामिल किया गया है। मतलब इनका ट्रेड वगैरह है वो वैलिड नहीं होता है, इनको काफ़ी एक तरीके से लिमिट होती है कि आप ऐसी तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते कि इनका जो पुनर्आवास है उनको नुकसान हो जाए। तो ये सारे बेसिक हमें पता होना चाहिए कि IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में शामिल है, इसी के साथ साइट्स की जो अपेंडिक्स फर्स्ट है उसमें यह शामिल है। ओलिव रेडली टोटल है कहाँ पे, तो ये ध्यान रखें कि गंगम स्ट्रीम है वो कहाँ पे, उड़ीसा में, और कोस्ट कौन सा है उसका नाम है रुसिकुलिया कोस्ट। तो ये भी बेसिक चीज़ों को ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वह आई है ऑपरेशन ग्रीन मिशन के बारे में। तो ऑपरेशन ग्रीन मिशन क्या है? ऑपरेशन ग्रीन मिशन देखो इसलिए चलाया गया है, मेनली इसका मेन फोकस ये रहेगा कि भाई जो भी डेली कम्युनिटी की चीज़ें आती है ना, स्टार्टिंग में फोकस किया गया है इसमें ऑनियन पोटेटो और टोमेटोज, मतलब आलू प्याज और टमाटर के ऊपर फोकस किया गया कि भाई इनकी जो प्राइस में अवेलेबिलिटी आती है ना, अभी देखो कुछ टाइम से ये चल रहा था कि आलू प्याज और टमाटर की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ रहा था, कभी तो प्राइस वो ज़्यादा ऊपर जा रही थी, कभी प्राइस वो कम आ रही थी। तो इन सारी चीज़ों को मतलब प्राइस वो थोड़ी फिक्स ही रहे, ज़्यादा महंगी ना हो ताकि कंज्यूमर को भी दिक्कत ना हो और ज़्यादा सस्ती भी ना हो ताकि किसान को भी दिक्कत ना हो। तो गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ग्रीन मिशन है वो इसीलिए चलाया था ताकि प्राइस जो अवेलेबिलिटी जो कम्युनिटीज़ की इसको कंट्रोल किया जा सके। मेन मोटो इसी का यही है कि भाई फार्मर्स को भी नुकसान नहीं होना चाहिए और कंज्यूमर को भी नुकसान ना हो, और एग्री लॉजिस्टिक जो फार्म हाउस या जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे, कोल्ड हाउस बनाए जाएंगे ताकि किसानों की अगर फसल ज़्यादा हो जाती है उस कंडीशन में उसको स्टोर किया जा सके, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो उनका यूज़ है वो किया जा सकेगा, और इसमें फार्मर्स को फाइनेंशियल एड है वो दी जाएगी। बट ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में इसको तीन ही चीज़ों के लिए अप्लाई किया गया, वो किया गया ऑनियन पोटेटो और टोमेटोज के लिए। इसी के साथ ऑपरेशन फ्लड था जो भी हमने डिस्कस कर लिया कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा 1970 में स्टार्ट किया गया था, व्हाइट रिवोल्यूशन से संबंधित था, जो हमने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। अब चलते हैं हम आगे आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 के बारे में तीन स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट ये है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 है उसकी थीम है, उसका नाम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इसकी थीम है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, क्या यह सही है और गलत है? दूसरा ऑप्शन ये है कि इसे इस बार इंडिया द्वारा होस्ट किया गया था और यह यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल लीड एक ग्लोबल इवेंट है। तो आपको बताना है कि इसे इन्वायरमेंट यूनाइटेड नेशन के द्वारा सपोर्टेड है या नहीं है। तो जी हाँ, ये तीनों के तीनों ऑप्शन वो बिल्कुल सही है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 2018 है उसको इस बार इंडिया होस्ट करा है, थीम है उसकी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल ग्लोबल इवेंट है उसके द्वारा इसे किया गया। तो ये बेसिक चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेनली है वर्चुअल करेंसी के बारे में। तो आपको ये बताना कि रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने वर्चुअल करेंसी है वो स्टार्ट कर दी है, मतलब वर्चुअल करेंसी को ऑफिशियली अलाउ है वो कर दिया, लीगल है वहाँ के लिए वो। तो ये कंट्री है वो है वेनेजुला। देखो वेनेजुला वो लास्ट साल भी इंपॉर्टेंट थी, लास्ट से लास्ट ईयर, क्योंकि वेनेजुला ने लास्ट से लास्ट ईयर है वो एक्चुअली उन्होंने भी डिमोनेटाइजेशन है वो लागू किया था बट उनका सफल नहीं हो पाया था, तो वेनेजुला काफ़ी सुर्खियों में था। तो ये हमें ध्यान रखना कि भाई वेनेजुला ने भी वर्चुअल करेंसी है उसको अलाउ कर दिया है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वो क्या था, यूनाइटेड नेशन साउथ साउथ, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कॉरपोरेशन, जो कि हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया था 1974 में। बेसिक काम क्या है इसका, देखा कि साउथ साउथ की जो कंट्रीज हैं उनमें आपस में सहयोग करना और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके हालात सुधारना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट करना। इसके बाद भी हमने व्हाइट रिवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड डिस्कस किया, तो वो देखा कि भाई जो वर्गीज कुरियर हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था जो कि व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद में हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के बारे में डिस्कस किया जो कि BSBI के द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो स्टार्ट किए गए हैं सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और काम के इनका मेन मोटिव ये कि इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी गोपाल स्वामी कमेटी के बारे में, जो कि हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड क्लास लेवल के बनाने के लिए स्टार्ट की गई है और मेनली UGC के द्वारा स्कीम को लेके आया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ थी वो थी टोंगा के बारे में कि टोंगा है वो एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो कि साउदर्न पैसिफिक ओशियन में, और उसको भी इंडिया ने फाइनेंशियल एड है वो दी है, उसमें भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसी के साथ आगे हमने यहाँ पे डिस्कस किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड के बारे में डिस्कस किया जो कि जिसमें इंडिया ने कुछ पैसा है वो दिया है।
इसके बाद में हमने स्फूर्ति स्कीम को डिस्कस किया जो कि मैली जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करने के लिए ताकि उनके क्लस्टर बेस्ड उनके हालात है वो सुधारे जा सकें और कलाकारों को इसमें थोड़ा पैसा दिया जाएगा। और ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नोडल एजेंसी है वो है KVIC जो हमने देखा। नेक्स्ट न्यूज़ थी वो थी नागार्जुनम सरीसेलम टाइगर रिजर्व के बारे में जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पे सरीसेलम टेम्पल भी है और इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है ये। इसी के साथ ही ईस्टर्न घाटन के साउथ साइड, तो ये हमें ध्यान रखना कि नॉर्मली जो टाइगर रिजर्व है ज़्यादातर वो वेस्टर्न घाट में ही है बट ये यहाँ पे ईस्टर्न घाट में जाता है तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी यहाँ पे चेंचूस ट्राइब है वो रहती है इसमें। अगली न्यूज़ थी वो थी ओलिव रेडली टोटल्स के बारे में जो कि वल्नरेबल लिस्ट में आते हैं IUCN की और साइट्स की जो अपेंडिक्स फर्स्ट है उसमें शामिल है। है कहाँ पे लोकेशन, वो है उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, लोकेशन हमने देख ली थी रुकसुलिया कोस्ट वाले एरिया में। इसके बाद में ऑपरेशन ग्रीन मिशन जो हमने डिस्कस किया कि जो कम्योडिटी की प्राइस में वल्नरेबिलिटी आती है उसको कंट्रोल करने के लिए भाई काफ़ी वेरिएशन आता है ना, उन सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टार्ट किया गया था। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। Thank you very much for discussion.